बचपन ही स्टेज पर गुजरा है. आई मीन स्टेज परफॉर्मेंसेस, फिर टीवी में, दूरदर्शन पर आता था मैं पहले, बिकॉज माई मम एंड डैड आर फ्रॉम पूना इंस्टीट्यूट, यू नो, एक्टिंग डायरेक्टिंग तब का कोर्स कर चुके हैं, तो वो जीन्स में ही हैं कि हाँ, मुझे बनना है तो एक्टर बनना है या तो फिल्म के यू नो इर्द गिर्द कुछ ना कुछ काम करना है. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, ऑब्वियसली थिएटर्स थे, टीवी शोज था, मैजिक लैम्प, खेल खिलौने, शाले चित्रवानी, बहुत सब ऐसे कर चुका था. अनटिल जब पास आउट हो गया तो मैंने सोचा कि आर्ट कॉलेज में जाना, और आर्ट कॉलेज तब तो फेमस था ही नहीं, पता नहीं था आर्ट कॉलेज क्या होता है, क्या करेंगे इसके बाद में, कमर्शियल आर्ट करेंगे, फाइन आर्ट करेंगे, पता नहीं था. बट स्टिल मुझे नॉर्मल कॉलेज में नहीं जाना था, बिकॉज आई वॉज गुड इन आर्ट, तो हाँ, ऑब्वियसली आर्ट कॉलेज में चला गया था. वहाँ फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में चला गया, एंड सडनली वो लाइफ थोड़ी दूर होने लगी. लेकिन जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आ गया तो जो भी मैं क्लाइंट्स के लिए मैं एड्स देता था, तो क्लाइंट खुद ही बोलता था, तू क्यों नहीं मॉडल कर देता. तो उस हिसाब से मेरी मॉडलिंग बिजनेस भी स्टार्ट हो गई. एट दैट पॉइंट हाँ, तरुण चोपड़ा मेरे लाइफ में आया, जिसने मेरा पहला मुझे एक गेम शो दिया. जी तब आया था नया नया, तो एक मिनट गेम शो आया था, उसमें मैंने होस्ट किया, 9-12 साल तक होस्ट किया, और वो लकीली मेरा वो पहला सेट डिज़ाइन भी था. तो फिर से ये दो मेरी पैरेलल लाइफ फिर से स्टार्ट हो गई. यहाँ मैं सेट डिज़ाइंस कर रहा हूँ और वहाँ मैं होस्टिंग कर रहा था, मॉडलिंग कर रहा था. तो करियर के दोनों, और एडवर्टाइजिंग में चल रहा था, तीन करियर साथ में चल रहे थे. टिल इट केम टू के ग्रेजुएशन फ्रॉम सेट डिज़ाइंस आई के वेंट ऑन टू, मतलब टीवी डिज़ाइंस वेंट ऑन टू फिल्म. तो फिल्म के लिए जब मैं ऑडिशन करने लगा और मेरी वाइफ प्रोडक्शन डिज़ाइन करने लगी, तो ये लगा कि यार, ये वापस जुड़ने लगा हूँ मैं वही लैंड में जिसमें मैं यू नो इतने साल से दूर रहा. और हाँ, एक्टिंग नहीं कर पाया उसमें, पर ये था कि हमेशा हर एक जो मूवी के सेट्स पे जाता तो अलग अलग डायरेक्टर्स से यू नो मुझे लर्निंग्स मिली, एंड उससे लगा कि मैं भी पिक्चर बना सकता हूँ. अगर एक्टिंग नहीं कर सकता तो उनको परफॉर्म करा सकता हूँ, बिकॉज मैं एक्टर रह चुका हूँ. एंड सडनली स्क्रिप्ट राइटिंग स्टार्टेड. तो 5 साल तक लिखी कहानियाँ, बहुत सारी अलग अलग स्टाइल की लिखी कि मैं क्या क्या करूँगा, बड़ा बड़ा कुछ करूँगा. लेकिन फिर फाइनली यू नो सर, मतलब बुद्धि में यह आया कि छोटे से स्टार्ट करो, तो ताकि एक मार्क बनाओ पहले. तो मैंने मेरे साइवन जो राइटर है उनसे कहा कि एक ऐसा सब्जेक्ट ले गया जो कॉमन नहीं है, जो यू नो फटाक से उठे और लोग देखें ये कौन है, ये कहाँ से आया. तो उसने लाया मैरी कॉम, और तब बायोपिक्स का तो ज़माना था ही नहीं. तब यू नो मिल्खा भी रिलीज़ नहीं हुई थी. मिल्खा वाज ऑब्वियसली पान सिंह तोमार थी, फिर मिल्खा थी. लेकिन हमने ये मैरी कॉम को पहले 3 साल पहले ही साइन कर लिया था. तो ये सोच के था कि ओके, दिस इज़ अ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन, बिकॉज एक फीमेल ओरिएंटेड मूवी है और कौन खरीदेगा, वो हमने कब तब सोचा नहीं था. लेकिन ये था कि एक नीश प्रोडक्ट बनेगी. तो मैरी कॉम बन गई, और जब रिलीज़ हुई तो एक नया दौर ही स्टार्ट हो गया, एक नया जॉनर स्टार्ट हो गया. मिल्खा वॉज अ हिट, एंड यू नो मैरी कॉम ने अच्छा नाम कमा लिया, और उस हिसाब से एक ये हुआ कि क्लटर में से बाहर आ गए. तो ये एक नीश प्रोडक्ट आ गया, उस हिसाब से मेरी पहचान आ गई. अब सेकेंड फिल्म भी आ गए, तो मैं बायोपिक नहीं करने वाला था. सरबजीत भी मेरे लैप में, संदीप सिंह जो मेरे पार्टनर हैं, उन्होंने ला के दे दिया कि भाई तू ये बना, ऐसे नहीं, मुझे नहीं बनाना है. बट हाँ, ऑब्वियसली समवेयर द स्टोरी हिट मी एंड आई सेड नहीं, आई विल मेक दिस थर्ड फोर्थ फिल्म, तो मेरे को पता ही है नहीं है बायोपिक, तो ये तो बना के ही रहूँगा, बिकॉज दिस स्टोरी हैज़ टू बी टोल्ड, एंड दिस वॉज माई जर्नी. माई मदर इज़ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी, एंड बिकॉज जो मैं हूँ उनके वजह से हूँ, और हमेशा बिकॉज शी वॉज ऑलवेज इन दिस आर्ट फॉर्म, एंड अभी भी डांस करती है वो शामक के साथ, अभी भी परफॉर्म करती है, अभी भी पपेट्स बनाते हैं हम, स्टेज शोज़ करते हैं. तो कहीं ना कहीं उनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ. और जो मेरा साथ हमेशा रहा है, ऑब्वियसली वो माई वाइफ वनीता, जो फ्रॉम कॉलेज डेज वो साथ में रहे हैं. फिर एक मिनट जो मैं गेम शो कर रहा था, उनके गेम्स वो लिखती थी. प्रोडक्शन डिज़ाइन जो मैं ऑडिशन करता था, उनके प्रोडक्शन डिज़ाइन वो करती थी. तो हमेशा साथ वही रहा है थ्रू आउट, और अभी भी जर्नी वही जाहिर है. जल्दी तो नहीं किया स्विच, बिकॉज एक जर्नी होती है, वहाँ आप पीक कर लेते हो, उसके बाद में आगे क्या, यू नो यही करते रहेंगे क्या, तो ये ऑब्वियसली डाइवर्ट. और इतना भी डाइवर्ट नहीं है, इस द सेम इर्द गिर्द ही है, वही है. मतलब क्रिएटिव हो तो आप जूते भी बना सकते हो, ईयरिंग्स भी बना सकते हो, दुपट्टे भी बना सकते हो, या फिल्म बना सकते हो, सेट बना सकते हो, बड़ा बड़ा कर सकते हो. तो हम बड़े सोचते हो, लेकिन ये नहीं कि मैं ज्वेलरी नहीं बनाता, मैं वो भी बना रहा हूँ. तो हाँ, व्हेन यू क्रिएटिव योर माइंड इज़ नॉट सेटल्ड, यू वॉन्ट टू डू लॉट्स ऑफ स्टफ, तो एक नया एवेन्यू मिल जाता है. इसके बाद अब क्या, यू नो ये आपने देख लिया, एडवर्टाइजिंग में कर लिया, अवार्ड्स मिल गए, पीक हो गया, सब लोग को पता है कैसे, अब क्या, तो लेट्स डाइवर्ट. सेट्स बना लिया, ओके, सब सेट्स अवार्ड्स बना दिए, ब्यूटीफुल सेट्स, नाम आ गया. अब वही तो पहचान नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है अंदर जो बाहर निकलना है. यू नो मे बी जब मैं बूढ़ा जाऊंगा तब एक्टिंग स्टार्ट करूंगा, तो आई डोंट नो, अभी बहुत करना बाकी है.